सिंघम अगेन कल थिएटर्स में रिलीज हो गई थी। ट्रेलर देखने के बाद जो उम्मीद थी मूवी बिल्कुल वैसी ही बनी है। लेकिन थिएटर्स में जाने से पहले तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस क्या होने चाहिए ये सब मैं क्लियर कर दूंगा ताकि डिसअपॉइंटमेंट ना हो। ये सब एक ही इंसान पे टिका हुआ है, डायरेक्टर रोहित शेट्टी, जो इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स के क्रिएटर भी हैं। शायद पहली बार हमने ऑफिशियली कॉप यूनिवर्स का लोगो देखा पहले कभी देखा हो, मुझे याद नहीं, क्योंकि इतने सीरियसली पहले कभी नहीं लिया है और ऑनेस्टली लेना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर तुम रोहित शेट्टी को जानते हो या उनकी मूवीज देखी हैं तो तुम समझते हो कि मुझे रीजन देने की जरूरत नहीं है। सिंघम पार्ट 1, सिंघम पार्ट 2, सिम्बा और सूर्यवंशी सबके डायरेक्टर वही हैं और इन सबको मिला कर उन्होंने एक यूनिवर्स खड़ा कर दिया। सिंघम अगेन भी पहली वाली मूवीज जैसी ही है लेकिन 2 या 3 गुना आगे निकल गई है, जो कि हमेशा अच्छी बात नहीं होती। कहानी की बात की जाए तो हम सिंघम फैमिली की स्टोरी देखते हैं। बाजीराव सिंघम की बीवी अवनी, उनका बेटा और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जो उनकी फैमिली की तरह है सिंघम और कश्मीर में पोस्टेड है, जहाँ उन पे एक हमला होता है। ये हमला सूर्यवंशी मूवी के कैरेक्टर जैकी श्रॉफ ने किया है, जो एक मास्टरमाइंड है। बाइक पे एक्शन करते हुए जैकी का एंट्री सीन ये सब सेट करता है कि मूवी में दिमाग कम लगाना होगा। पहले हाफ में स्टोरी का प्लॉट रामायण से इंस्पायर्ड है। अवनी किडनैप होती है और विलेन उससे श्रीलंका ले जाता है। इंडिया के पुलिस फोर्स के 5 लोग उसको बचाने जाते हैं, धमाकेदार एक्शन करते हैं। क्लाइमेक्स में क्या होता है ये ट्रेलर देख के पहले ही पता चल जाता है। 2 घंटे 20 मिनट की मूवी में सब कुछ फिट करने की कोशिश की गई है। रामायण के बीट्स अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार सबके एंट्री मूवमेंट्स। मूवी में स्टार्ट स्ट्रांग था क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन सेट कर ली थी, लेकिन धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि पूरी मूवी सिर्फ हाइप पे चल रही है। एक्शन सीन्स, लाउड म्यूजिक और डायलॉग ये सब कभी कभी ओवर लगने लगते हैं। एक सीन में जब विलन के सामने सिंघम खड़ा होता है और फेमस लाइन बोलता है, उस टाइम मुझे हंसी आ गई क्योंकि साइड में करीना कपूर कुछ अजीब एक्सप्रेशन दे रही होती है। अर्जुन कपूर का फर्स्ट लुक जब पोस्टर में आया था लगा कि लोग उन्हें सीरियसली लेने शुरू कर देंगे, लेकिन मूवी में उनका कैरेक्टर और डायलॉग ओवर कर दिए गए। क्लाइमेक्स तक विलेन का इम्पैक्ट कम हो जाता है, जो पूरी मूवी का डाउनफॉल होता है। रणवीर सिंह एज सिम्बा इजिली बेस्ट पार्ट है मूवी का, इवन मोर देन अजय देवगन। उसकी प्रेजेंस कॉमेडी और एनर्जी लाती है जो मूवी को थोड़ा बैलेंस्ड बनाती है। इन शॉर्ट सिंघम अगेन टाइपिकल रोहित शेट्टी की मूवी है। ओवर द टॉप एक्शन, फ्लैशी एंट्रीज और हाइप ड्राइविंग मूवमेंट्स, लेकिन कुछ फ्रेश या इनोवेटिव एक्सपेक्ट करना गलत होगा। एट द लास्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ये मूवी देख सकते हो, लेकिन ज्यादा कुछ ओवर सैचुरेटेड एक्सपेक्ट करके मत जाना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।